रहीम, आज सप्लाई चेन राइजिंग प्लेटफॉर्म है, उसमें हम चिट चैट करेंगे मिस्टर अदील नासिर मीर से, और कुछ डिस्कशन करेंगे सप्लाई चेन की विद रिस्पेक्ट टू पेंडेमिक कोविड-19। और अदील नासिर जो हैं वो ही हैज़ अ वेरी रिच एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 15 ईयर्स इन दी सप्लाई चेन, मटेरियल मैनेजमेंट, प्रोक्योरमेंट और कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट। इनका एक्सपीरियंस जो है वो शेवरॉन के साथ है, एक लीडिंग कमर्शियल बैंक के साथ है, सीनियर पोजीशन पे हैं वो। जेबिस्ट और पीएफ कीट में जो है वो विजिटिंग फैकल्टी हैं सप्लाई चेन में। और आज अपना प्रेशियस टाइम उन्होंने दिया है हमारे साथ, तो कुछ गपशप करते हैं उनके साथ इनफॉर्मल वे में। जी अदील, अस्सलाम वालेकुम, कैसे जी, अस्सलामुअलैकुम हैं आतिफ। आप? ठीक कैसे हैं? ठाक ठीक ठाक हैं आप? कैसे खैरियत ठीक से? ठाक ठीक हल्ले ठाक अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक ठीक ठाक। क्या आतिफ, सिचुएशन चल रही है आजकल? बहुत मुबारक हो आपको। आपने लोगों के लिए जो चैनलाइज कर रहे हैं सप्लाई चेन की इंफॉर्मेशन, और आपने जो चैनल निकाला है, जी मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ उसमें। और मैंने एक आध थैंक वीडियोज भी देखी हैं आपकी, बड़ी इफेक्टिव और होती हैं ये, तो इस चीज को कंटिन्यू कीजिएगा। आज आपने बुलाया, हमने कहा कि टाइम ही टाइम है आपके लिए। और इंशाल्लाह क्या हो, वर्क फ्रॉम होम हो रहा है या फिर इंशाल्लाह। क्या कहते हैं, ऑफिस जा रहे हैं आप? नहीं, स्टार्ट में थोड़ा सा था, बट हमारी कंपनी जो है बेसिकली एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है, तो वी गॉट ओके, द लाइसेंस टू ऑपरेट। तो माशाल्लाह से ये के सिचुएशंस, हाँ, इट्स बिकमिंग यू नो नॉर्मलाइज की तरफ जा रही हैं, तो लेट्स सी, अल्लाह ने चाहा तो बेहतर होगा सिचुएशन। आपकी कंपनी के बारे में मुझे पता है और मुझे आपके बारे में भी पता है, तो सही है। मतलब आपसे मैंने सवाल ये किया था कि आप घर से काम कर रहे हैं या दफ्तर जा रहे हैं? दफ्तर जा रहा हूँ। दफ्तर जा रहे हैं आप? इनिशियली जो है ओके। वो होम फ्रॉम ऑफिस था, लेकिन ये के इनिशियली इट वाज फ्रॉम होम, बट लेटर ऑन जो है वो इट्स बिकमिंग सेटल्ड, राइट? अच्छा अच्छा या अच्छा 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 सही सही। तो और बताएं, क्या 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 देख रहे हैं आप कोविड-19 के हवाले से? कोविड-19 में आज की जो न्यूज़ है उसमें ये पता चला है कि थोड़ी सी रिलैक्सेशन इन द कमिंग वीक द गवर्नमेंट इज़ गोइंग टू यू नो गिव द पीपल, खास तौर पे जो स्मॉल बिजनेसमैन है उनके लिए जो है वो ये एक मे बी थोड़ा सा रिलैक्सेशन की तरफ जा रहे हैं। तो ओवरऑल इम्पैक्ट जो है वो, मैं अगर इंडस्ट्री के हवाले से बात करूँ तो डेफिनेटली डिपेंड करता है कि इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री, कुछ लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं और कुछ लोगों के लिए ऑब्वियसली जो है वो सिचुएशन काफ़ी डेंजरस भी नज़र आ रही है। अगर मैं कुछ स्पेसिफिक इंडस्ट्री की बात करूं जिसमें एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ हैं, जहां पे इंडिया के साथ कुछ इंडस्ट्रीज़ का जो है वो कंपटीशन है, तो क्योंकि इंडिया जो है वो पाकिस्तान से जो पीरियड ऑफ लॉकडाउन है वो इंडिया में इन कंपेरिजन विद पाकिस्तान जो है वो ज़्यादा रहा है, ठीक है? तो बहुत सारे कस्टमर्स जो कि इंडिया पे बैंक कर रहे थे, दे आर शिफ्टिंग टूवर्ड्स पाकिस्तानी मार्केट। तो कुछ सेक्टर्स के लिए जो है वो अपॉर्चुनिटी भी है कोविड-19 के अंदर। तो हमें डेफिनेटली, अच्छा, अब जैसे मैं ये नोट कर रहा हूँ कि वर्चुअल लर्निंग की तरफ बहुत ज़्यादा लोग जा रहे हैं, आए दिन मैं जो हूँ वो फेसबुक पे और यूट्यूब पे जो है वो बहुत सारे लोगों के और फैकल्टी के जो है वो चैनल्स देखता हूँ, और द पीपल यू नो आर शिफ्टिंग टूवर्ड्स दी वर्चुअल लर्निंग। तो ये भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। मुझे याद है नहीं, सप्लाई चेन राइजिंग की हमने जो वॉल्यूम फाइनली ये इस पे आए तो मतलब वो कहते हैं ना कि देर से देर आए दुरुस्त आए, एक दुरुस्त आए, इनको बिल्कुल मुझे याद मौका है, मिला। मुझे याद है जो लास्ट ईयर जो लेकिन वॉल्यूम वन आतिफ मैंने कंडक्ट करवाया था सप्लाई चेन। हाँ तुम भी पढ़ाते हो, मैं भी पढ़ाता हूँ। ये ऑनलाइन क्लासेस लेना जो है वो आसान लगा या फिर इम्प्रिंट आसान लगा, या क्या फील किया, क्या डिफरेंस फील किया? क्योंकि ये हमारे देखो, लिए भी जो पहले ही मौका था, बिल्कुल अपार्ट फ्रॉम ऐसे के ही। कुछ कॉन्फ्रेंसेस वगैरह तो होती रहती थी हमारी स्काइप पे और जूम पे पहले भी, हाँ लेकिन ये इनफैक्ट पहला ही मौका था कि एक तरीके से स्टूडेंट्स को वैसे पढ़ाना। अगर मुझे और पर्सनली अगर आप मुझसे पूछेंगे ना कि मेरा प्रेफरेंस क्या होगी अगर मैं दोनों को कंपेयर करूं, तो आई वुड गो फॉर यू नो लाइव इन फ्रंट ऑफ द ऑडियंस, दैट इज यू नो माय चॉइस। मतलब वर्चुअल लर्निंग में ठीक है, एक एज ए पार्ट टाइम आप कर सकते हैं, छोटे सेशन या आपने 1 घंटे का, आधे घंटे का, बट फुल टाइम जो लेक्चर है वो ऑडियंस के सामने जो है ना यू कैन कंडक्ट, मैं एज फार एज आई एम कंसर्न।
तो मुझसे अगर आप पूछोगे तो मैं वर्चुअल आई गो वर्चुअल फॉर दैट। वर्च वर्च वर्चुअल में जो वर्चुअल में जो सबसे सख्त चैलेंज होता है वो ये होता है कि हाउ यू इंटरेक्ट एंड हाउ यू इन्वॉल्व योर ऑडियंस फॉर एंटायर टाइम पीरियड। तो ये एक एग्जैक्टली चैलेंज होता है, और मतलब जो कि मेरे ख्याल से कि जो वर्चुअल होता है वो उसमें चैलेंज यही होता है कि आप किस तरह से इन्वॉल्व रख सकते हैं। क्लास में इन्वॉल्व रखना बड़ा आसान होता है, वर्चुअली इन्वॉल्व रखना बहुत ज़्यादा आपको फिर उसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स करनी पड़ती हैं। और वर्चुअल में आप ये फिर जो रूटीन की फिर आप अगर उसमें चीज़ें पढ़ा रहे हो और सिर्फ कॉन्सेप्ट दे रहे हो तो वो इवेंचुअली दे विल लूज इंटरेस्ट। तो आपको एक्टिविटीज करवा के इन्वॉल्व रखना पड़ता है, वो तो खैर क्लास में भी करवाते रहते हैं हम, लेकिन वर्चुअल में कराना एक चैलेंज आएगा। चैलेंज है बिल्कुल बिल्कुल। तो वो कर दिए वो हम गुजर रहे हैं उससे। आई होप सो कि हम उसको अच्छे तरीके से वो कर रहे हो। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बाकी सप्लाई चेन की जो सूरत हाल है यहाँ पर, और जो स्पेशली कॉन्ट्रैक्ट्स की सूरत हाल है, वो चूंकि चीजें लॉकडाउन की तरफ हैं और इसको काफी टाइम भी हो गया है, तो जो कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस है ना सप्लाई चेन की, वो उसमें रुकावटें आ रही हैं। जाहिर है जाहिर है, जब निजामी जिंदगी ही आपका बंद है काफी अरसे से, अब तो फिर भी थोड़ा सा ग्रेजुअली स्टार्ट हुआ है, तो उसमें जाहिर है फिर चीजें जो हैं उस तरह से इम्प्रोवाइज नहीं होती हैं जिस तरह के वो नॉर्मली यूजुअल बिजनेस में होती हैं। तो ये एक चैलेंज आ रहा है, और ये चैलेंज जो है वो एक डायलेमा की सूरत की तरफ भी जा रहा है। तो तो एज ए सप्लाई चेन स्पेशलिस्ट, क्या आप समझते हो कि इससे क्या, व्हाट वी हैव लर्न्ड आउट ऑफ दिस सिचुएशन? अगर हम आफ्टर यू नो ये चीजें नॉर्मलाइज हो जाती हैं, तो व्हाट वी हैव लर्न्ड बीइंग ए पाकिस्तानी इंडस्ट्रियलिस्ट, जो है वो क्या सजेस्ट करते हो पाकिस्तानी इंडस्ट्रीज को कि इस तरह की सिचुएशन जो है डेफिनेटली 100 ईयर्स में जो है एक दफा जो है वो मतलब सरफेस पे आई हैं, तो आप क्या समझते हो इंडस्ट्रीज के लिए जो है वो क्या चीज ऐसी हो सकती है जिसको वो लोगों का इस वक्त जो सिचुएशन। बिगेस्ट चैलेंज है ना आतिफ, लोगों का जो बिगेस्ट चैलेंज है इस पर वो ये है कि बाद की सूरत हाल तो वो इवेंचुअली फेस करेंगे ही, लेकिन वो करंट सूरत हाल और जो प्रिवेलिंग सर्कमस्टेंसेस है ना अभी, उसके हवाले से ही यहाँ पे कोई मतलब बाजाब्ता तौर पे कोई ऐसी चीज नहीं आई सामने जिसमें वो इस चीज का वो कर सकें कि अपनी जो उनकी जो कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस हैं एक दूसरे के साथ, चाहे वो विद इन पाकिस्तान हो या इम्पोर्टर एक्सपोर्टर के उसमें हो, उसको पूरा करने से, क्योंकि वर्ल्ड वाइड पेंडेमिक है ये, सर्कमस्टेंसेस सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, ये सर्कमस्टेंसेस अक्रॉस द ग्लोब है। तो उसमें चैलेंज यहाँ पे भी आ रहा है सप्लाई के सर्कल को पूरा करने का, और वहां पे भी आ रहा है दुनिया में भी। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि हम आपने और हमने सप्लाई चेन के बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं सबने, डिमांड मैनेजमेंट, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, सप्लायर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, आर्ट ऑफ डिजाइनिंग या मैन्युफैक्चरिंग मैनेजमेंट। तो इन सारे कॉन्सेप्ट्स में आप जो देखते हैं वो ये देखते हैं कि इन सारी चीजों में कहीं ना कहीं जब ये पेंडेमिक आता है ना, तो ये सारी चीजें फुलफिल नहीं हो रही होती सप्लाई चेन। ये सिर्फ ये नहीं है कि आपकी जो है वो प्रोडक्ट की जो सप्लाई है वो स्मूथली मुतासर होती है, बल्कि आपकी डिमांड, आपकी सप्लायर के साथ रिलेशनशिप, कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस, आपके मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स, आपकी प्लांट की सूरत हाल, आपका डिमांड मैनेजमेंट, डिमांड मैनेजमेंट सबसे ज्यादा आप देखते हैं कितनी ड्रास्टिकली डिमांड, जब ये बीच में पेंडेमिक की जब ये अनाउंस किया था गवर्नमेंट ने कि वो मतलब ये लॉकडाउन की तरफ जा रहे हैं, तो डिमांड में कितना ड्रास्टिकली इंक्रीज आया था है। फिर उसके बाद आपकी स्टोर मैनेजमेंट, आपकी वेयर हाउसिंग की सलाहियत, फिर आपकी लॉजिस्टिक्स, तो ये पूरे निजाम जिंदगी को बेसिकली सप्लाई चेन है क्या? सप्लाई चेन पूरा एक निजाम जिंदगी है कि एक किस तरह से आपने एक अपना जो कॉमर्स एंड है अपने जिंदगी
घरेलू लाइफ का, अपने घर की लाइफ का, उसका जो कॉमर्स एंड है वो किस तरह से वो करते हो। पहले होता था बार्टर सिस्टम, बार्टर सिस्टम में आप लोग चीजों को एक्सचेंज करते थे और अपनी जरूरियात पूरी करते थे। सप्लाई चेन नाम है लोगों की जरूरियात को पूरी करने का, ये बैकबोन है बिजनेस की। इवन सर्विस सेक्टर में भी, सर्विस सेक्टर सेक्टर में भी कस्टमर रिलेशनशिप है, सर्विस सेक्टर में भी डिमांड मैनेजमेंट है, सर्विस सेक्टर में भी सप्लायर मैनेजमेंट है। तो ये सारी जो चीजें हैं, ये आप जो अच्छा आपका निजाम सॉरी, जिंदगी है आपकी ना बात उसको सॉरी आप हाँ बिल्कुल आपकी बात कट रही है। उसको ब्रेक लगाए सर्विस सेक्टर तो से इस मुझे याद आया, जी जी सर्विस जी बोले सेक्टर से अदील अदील मुझे याद आया कि यू आर माशाल्लाह से एक सीनियर पोजीशन पे हैं और बैंकिंग इंडस्ट्री में हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स अक्सर जो है वो जब लेक्चर के दौरान मुझसे पूछ रहे होते हैं कि सर ये तो जो एग्जाम्पल्स होती हैं ज़्यादातर वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की होती हैं, तो यहाँ मतलब इस बात को जो है वो आपको निगेट करने का मौका मिलता है कि सप्लाई चेन के स्पेशलिस्ट जो है वो की पोजिशन पे बैंकिंग, शिपिंग लाइंस और सर्विस इंडस्ट्री में भी जो है वो हॉस्पिटल इंडस्ट्री और दूसरी जो सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस हैं वहाँ पे भी की पोजीशंस के ऊपर सप्लाई चेन के स्पेशलिस्ट जो है वो बैठे हुए हैं। तो देर नहीं इज इक्वल आप अपॉर्चुनिटी, आई सी देर इज अ इक्वल अपॉर्चुनिटी बोथ फॉर सप्लाई चेन स्पेशलिस्ट, बोथ फॉर दी मैन्युफैक्चरिंग एज वेल एज द सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस। नहीं बिल्कुल बिल्कुल अपॉर्चुनिटी तो है, लेकिन बात दरअसल ये है कि वो अपॉर्चुनिटी फुलफिल करने के लिए जो मैकेनिज्म है ना, वो मैकेनिज्म अभी तक यहाँ पे कंपनीज पे डिवाइस नहीं हो सका, एग्जैक्टली ऐसा ही है। अच्छा तो एक चीज़ और मैं वो नोट, हाँ बिल्कुल एक चीज़ मैं और भी नोट कर रहा था, वे जो भी आपने अभी डिटेल बताई है कि कंपोनेंट्स जो सप्लाई चेन के हैं जिसकी वजह से ये पूरा एक चेन स्ट्रक्चर है सप्लाई चेन का बेसिकली। तो वहाँ पे एक मैंने ये एक जगह पढ़ा भी कि फंड्स मैनेजमेंट भी बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी इस तरह की सिचुएशन में, जहाँ पे आप क्योंकि आप देख रहे हो कि कॉस्ट ऑफ इनपुट्स जो है वो दैट इज रिजन ट्रिमेंडसली। ठीक है, एक अगर आप HSE की बात करें, हेल्थ सेफ्टी इन्वायरमेंट की, और वहाँ कोई ऑर्गेनाइजेशन ये सारी चीज़ें नॉर्मल वे में प्रोक्योर कर रही थी आइटम्स को, ठीक है, आज सैनिटाइजर की प्राइस जो है वो मल्टीप्लाई हो गई है, आपके फेस मास्क की जो PPEs होते हैं आपके पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स उनकी प्राइस जो है वो कब मेरे ख्याल है 10 टाइम्स या 100 टाइम्स जो है वो मल्टीप्लाई करके जा चुकी है। तो आपकी जो बजटिंग थी दैट इज ऑल अफेक्टेड, ठीक है ना। तो वहाँ पे मैनेजमेंट मैनेजमेंट के लिए फ्यूचर में अपने फंड्स को भी प्रॉपरली मैनेज करना, एलोकेट करना, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, रोल प्ले करेगा। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही सही है, लेकिन सप्लाई चेन मैनेजमेंट असल में ना इंटीग्रेट होती है सारे आपके चीजों से। अगर बजट में एलोकेशन जो है, जब भी जो आपका जो कंटीजेंसी प्लान होता है किसी भी उसके अगेंस्ट, तो उस कंटीजेंसी प्लानिंग में आप जब ऑपरेशंस चलाने के लिए, फॉर इंस्टेंस डिजास्टर रिकवरी साइट्स होती हैं आपकी, आपकी कंटीजेंसी प्लानिंग में आपके ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ सप्लायर्स होते हैं, आपने फैसिलिटीज डेवलप करनी पड़ती हैं आपको अर्जेंटली कि आप दूसरी जगह से अपना बिजनेस वो करें। आप एग्जांपल लें, आप छोटे से छोटा जो बिजनेस है, अगर आप किसी आउटलेट पे जाएं या जाएं, तो उन्होंने बकायदा तौर पे, आप दुकानें चूंकि बंद हैं तो उन्होंने उस पे डिस्प्ले करके अपना कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है और होम डिलीवरी का लिखा हुआ है। आप फेसबुक पे देखें, बहुत सारे जो बार्बर शॉप्स हैं वो घर पे आके डिलीवरी दे रहे हैं। मैंने भी हेयर कट लिया था वैसे अभी कुछ दिन पहले, घर पे बुला के, सही तो वो आप उनकी सर्विसेज हासिल कर सकते हैं। तो आपके पास मीडियम तो है, आपके पास मीडियम भी हैं, आपके पास रिसोर्सेज भी हैं। प्रॉब्लम ये है अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि हम एक कैपिटलिस्टिक सोसाइटी में रहते हैं, बल्कि दुनिया ही कैपिटलिस्टिक है ऑलमोस्ट, तो जो कैपिटलिस्ट जो अप्रोच है वो ये है कि वो इस पे जो आपका प्राइवेट सेक्टर है वो इतना ज्यादा वो करने के लिए तैयार नहीं होता कि वो लोगों को स्ट्रेंथन करे और इस सिचुएशन में लोगों के काम आए। आई हर्ड कि बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर ने लोगों को पैसे भी नहीं दिए, सैलरी भी नहीं दी, और इसके अलावा काफी जो वर्कर्स हैं उनको निकाला भी है। लेऑफ्स पे जा रहे हैं। तो यहाँ जब कॉन्सेप्ट आता है, तो यहाँ हर दफा प्रॉफिटेबिलिटी नहीं देखनी चाहिए, मतलब प्रॉफिटेबिलिटी सिग्निफिकेंट है और कोर भी है, लेकिन इन सिनेरियोज में जो सोशल वेलफेयर है उसको भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। जब तक सोसाइटीज नहीं रहेंगी ना आतिफ, ट्रू सोसाइटीज जब तक ग्रो नहीं होंगी, वो नहीं होगा, तो ये फ्यूचर में बिजनेस पर किससे करेंगे? जब सब कुछ ट्रू ही बदहाल हो जाएगा, तो वो आप कहते हैं ना कि आप सप्लायर रिलेशनशिप से, लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप सप्लायर और कस्टमर एंड पे होनी चाहिए, पार्टनरशिप
तो वो बिल्कुल सोसाइटी सोसाइटी जो सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है इस पूरे सप्लाई चेन प्रोसेस का, तो वो अगर आप सोसाइटी को अभी किसी तरह से वो करेंगे, और तो आगे चल के आपका अल्टीमेट कंज्यूमर कौन है, कस्टमर कौन है? सोसाइटी है ना, हम लोग ही है ना, ऑडियंस क्या है? तो वो फिर आगे जाके इसके ये उन उन उनके अपने हक में बेहतर नहीं होगा। तो मैं तो फोकस ये कर रहा हूँ कि काफी ज्यादा डिक्लाइन की तरफ चीजें, क्योंकि अभी सब कुछ लॉकडाउन बंद है, तो आपका जो रिटेल का जो शोभा है वो चीज पूरी नहीं कर सकेगा जो कि वो ऑनलाइन करने की कोशिश कर रहा है। और अभी भी आप देखें कि डिफरेंट आप जो ईद से रिलेटेड चीजें हैं उस पर काफी सारे आपको डिस्काउंट्स नजर आएंगे, लेकिन ये जो डिस्काउंट्स हैं ये फिर भी इतने डिस्काउंट्स देने के बावजूद ये ग्रेजुअली जैसे जैसे ईद करीब आएगी ना तो इसको इंक्रीज करेंगे। अब यहाँ पे एक मीडियम है कि लॉजिस्टिक किस तरह से प्रोवाइड कर सकते हैं कि ईद के दौरान ये कितनी जल्दी ऑर्डर्स डिलीवर करें, तो वो उनके पास सफिशेंसी है, इसलिए कि पिछले 1-2 महीनों से कुछ हुआ ही नहीं है, तो स्टॉक भी है, मैन्युफैक्चरिंग भी चलनी शुरू हो गई है, लेकिन अब जो चैलेंज आएगा इनकी लॉजिस्टिक्स का आएगा कि किस तरह से ये लॉजिस्टिक अरेंजमेंट करके वो डिलीवर करें घर पे। और दूसरा इसमें ये एलिमेंट है कि अगर ये इसको ज्यादा प्रोलॉन्ग करते हैं तो ये जो डिस्काउंट जो अभी ये 25-30% लोग क्लॉदिंग पे दे रहे हैं जनरल, ये और भी बढ़ने की तवक्को की जा सकती है कि ये और बढ़ जाए। तो सिनेरियो जो है वो काफी टफ है। अगर एज ए कॉन्ट्रेक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट के हवाले से बात करूं तो कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट में इंडस्ट्रीज के लिए एक क्लॉज है फोर्स मेजोर। तो फोर्स मेजोर क्लॉज जो है वो कवर करता है इन सारी ऑब्लिगेशंस को कि किस तरह से पेंडेमिक में की सूरत हाल में नेचुरल डिजास्टर्स। वो एक कवर प्रोवाइड करता है। तो बाकी आप बताएं आपकी क्या इसके बारे में राय है? नहीं, यू आर राइट। ये जो फोर्स मेजर की बात की है ना आपने, तो डेफिनेटली हमारे भी कुछ कस्टमर्स ऐसे हैं जिन्होंने जो अफेक्टेड हुए, क्योंकि हमारा प्लांट भी तकरीबन 1 महीने तक जो है वो शट डाउन रहा बेसिकली। तो ऑब्वियसली जिस तरह बाकी कंपनीज ने अफेक्ट किया, तो उस पूरे मंथ में जब हमारा प्रोडक्शन जो है वो शट डाउन रही, तो उसकी वजह से ऑब्वियसली जो हमारी एग्जीक्यूशन ऑफ द ऑर्डर्स थी उसमें भी डेफिनेटली अप टू सम एक्सटेंट डिले तो आया है, राइट? तो बात वही है आपकी कि मैंने जैसे कहा ना कि कुछ इंडस्ट्रीज के लिए आई आई सी देर इज एन अपॉर्चुनिटी इन ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है? तो हमें इसको भी एक अपॉर्चुनिटी लेना चाहिए, और इससे भी हम ऐसी चीज़ें जो यू नो ट्रेस आउट करें जिसकी बेसिस पे हम अपने जो फर्दर फ्यूचर ग्रोथ है उसको यू नो अचीव करने की कोशिश कर सकते हैं। बाकी ये कि आज के डिस्कशन में बड़ा, इट वाज अ गुड डिस्कशन आदिल, और थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल इनपुट। इसमें एक चीज मैं थोड़ा एक सा एक 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 चीज हाँ एक चीज मैं आपको बताना जी चाह रहा अनिल। था कि जो ये मैंने फोर्स मेजोर की बात की थी, उस फोर्स मेजोर में वो एप्लीकेबल बेसिकली जो कवर प्रोवाइड करता है वो ये प्रोवाइड करता है कि कोई भी ऐसी जो सिचुएशन जो कि प्रिडिक्ट ना की जा सके, जो अनफोर्सिन सिचुएशन हो, तो उन सारी सूरत हाल में पहले पास में तो आपके सारी चीजें कवर होती, ये सारी चीजें थी कि ऐसे फ्लड आ गया, कोई डिजास्टर हो गया, ये सारी या कोई वॉर हो गई या इस तरह की चीजें, नेचुरल डिजास्टर तो टाइप। हाँ तो वो तो सब कवर होता था। ये पेंडेमिक की जो सिचुएशन है ये कवर नहीं थी। तो अब आइंदा से जो कंपनीज ये कर रही है कि वो फोर्स मेजर के क्लॉज में इसको भी डाल रही है, लेकिन एक है, एक होता है लॉ ऑफ लॉ ऑफ फ्रस्ट्रेशन ऑफ डॉक्ट्राइन के नाम से, तो ये इंडियन एक्ट है और इसमें जो कंपनीज हैं वो उसको काफी ज्यादा कवर हासिल कर लेती हैं, जहां पर उनको अपनी जो कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस हैं उससे टेम्पररी तौर पे जब तक पेंडेमिक की सिचुएशन चल रही है तो वो उस से अपनी जो ऑब्लिगेशन है उसको पूरा करने से कासिर हैं, तो वो उनके लिए एक्सक्यूज होता है। लेकिन बहरहाल इवेंचुअली जो ये जो लॉ है ये इस चीज की गारंटी नहीं देता कि आप जो है इसको वो इससे मतलब जेल जाने से बचे। ऑब्लिगेशंस उस वक्त तक रहती हैं इनफोर्स जब तक वो पेंडेमिक की सिचुएशन होती है,
जब वो होल्ड हो जाती है, जब वो खत्म हो जाता है पेंडेमिक, तो आपके पास कॉन्ट्रैक्ट को दोबारा से रिन्यू करने के बराबर मौके होते हैं। आप अपना कॉन्ट्रैक्ट जो है वो दोबारा रिन्यू कर सकते हैं, रिव्यू कर फ्रॉम सकते दी हैं। स्क्रैच और ओके इस हाँ, और उस इस दौरान उस आपके जो भी पेमेंट्स के या जो रिलेटेड इश्यूज हैं, आप अगर जो इससे पहले के थे वो इसमें जेरे बहस नहीं आते। आई सी तो आपकी जो जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट का एक अहम जो कंपोनेंट है वो आपकी जो है, किस तरह से आप अपनी रेवेन्यू स्ट्रीम को मैनेज कर रहे हो और किस तरह से आप अपने पेमेंट्स को मैनेज कर रहे हो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वो ऑब्वियसली एक सप्लाई चेन में उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जो सूरत हाल है वो ये है कि पाकिस्तानी लॉज में भी, सिंध हाई कोर्ट ने भी फोर्स मेजर को और उसको लिटरल सेंस में और पास में यहाँ के कोर्ट्स ने भी उसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए और फोर्स मेजर की वाज़े तशरीह करने के हवाले से बहुत सारे फैसले पास पे भी दिए हैं। तो जो कंपनीज हैं वो इसको अब खास तौर पे यूज कर रही हैं कि उसमें पर्टिकुलरली इसको इन्फोर्स करने के लिए कि इस तरह का कोई पेंडेमिक भी आएगा तो वो भी इसकी डेफिनेशन में कवर फॉल होगा करे, वो आई सी कवर करे। अच्छा, इसमें एक और और इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट चीज है। अब आपने हमें बुलाया है तो हम चाह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन शेयर करें, तो आपके 2 मिनट हाँ लूंगा सर मैं। नहीं, नो प्रॉब्लम। तो उसमें ये चीज है कि पब्लिक प्रोक्योरमेंट जो एंटिटीज हैं आपकी, वो किस तरीके से, अब जो ऑगमेंट जो चल रहे हैं, अब वो ये चल रहे हैं कि सोसाइटी के लिए और खासतौर पर एसएमईज के लिए, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए, जो कि आपकी इकोनॉमी का एक मेजर प्रोपोर्शन रखती है, जिससे आपकी जो है वो उनका एक अहम प्रोपोर्शन है आपके जीडीपी में। तो उस सर पब्लिक प्रोक्योरमेंट एंटिटीज किस तरह से हेल्प कर सकती हैं, यानी पब्लिक सेक्टर एसएमईज के लिए, अब वो किस तरीके से कर सकता है, वो एक अजीब, वो एक अलग, एक पूरा एक टॉपिक है। वो इस तरीके से कर सकता है कि पब्लिक प्रोक्योरमेंट एंटिटीज जो हैं, जो आपके जो कॉन्ट्रेक्चुअल जो आपके जो रिक्वायरमेंट्स हैं, उनमें एसएमईज को कंसीडर करें और एसएमईज जो हैं उनके लिए वो आसानियां रखें, आपके उनकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उनकी जो टेंडर रिक्वायरमेंट्स है, और उनको फिर जैसे उनकी जो पेमेंट्स जो टर्म्स हैं, कंडीशंस हैं, उनको आसान करें। सिक्योरिटीज जो हैं वो, रिस्क जो हैं वो, जो सिक्योरिटीज जो मांगी जाती है वो, उसको थोड़ा सा नॉर्मलाइज करें। तो इससे एसएमई सेक्टर आपका बहुत ग्रो कर सकता है, और एसएमई राइट सेक्टर जब आपका ग्रो करेगा तो ये उस काफी जो आपका जो इमदाद आप जो दे रहे हैं, जो गवर्नमेंट दे रही है, जो आपके पे टू सॉर्ट ऑफ पे टू सी है ना, इसी जब जहाँ पे आप जाके शनाख्ती कार्ड दिखाते हैं इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के और आपको कैश मिल जाता है, तो उसके बाद उस वो भी एक अच्छा एग्जाम है। लेकिन अगर एसएमईज के थ्रू आप इंजेक्ट करेंगे इकोनॉमीज में, तो ये सारा एसएमईज का जो जिस तरह से ये गर्दिश होगी आपकी पैसे की और जो रिक्वायरमेंट्स पूरी होंगी इंडस्ट्रीज की, तो उससे इन एसएमईज को आप जब के थ्रू जब आप उनको हेल्प करेंगे, तो इवेंचुअली उसका जो इम्पैक्ट है वो इकोनॉमीज में, वो जो डायरेक्ट पैसे आप भेज रहे हैं उससे बहुत ज्यादा होगा। क्योंकि जब ये साइकिल चलता है सप्लाई चेन का आता, तो आपको पता है कि इसके कई लोगों का रोजगार जुड़ा होता है और मतलब एक पूरी इकोनॉमी हरकत में आती है। सिर्फ एक बिल्कुल कंपनी सर हरकत में नहीं आती, डायरेक्टली इनडायरेक्टली सारी कंपनीज हरकत में आती है। आपका आईटी हरकत में आता है, आपका सप्लायर हरकत में आता है, आपका मैन्युफैक्चरर हरकत में आता है, आपके रीसेलर्स हरकत में आते हैं, आपके रिटेलर्स, आपका वेयर हाउस का बिजनेस चलता है, आपका लॉजिस्टिक्स का बिजनेस चलता है, आपकी इकोनॉमिक पेमेंट स्ट्रीम्स चल रही होती हैं, आपकी ऑर्डर फुलफिलमेंट प्रोसेसेस चल रहे होते हैं, आपकी कस्टमर सर्विस चल रही होती है, तो ये एक पूरी इकोनॉमी है सब है। तो इसमें अगर ये चीज पब्लिक सेक्टर एंटिटीज और इवन प्राइवेट सेक्टर एंटिटीज भी करें, तो ये वक्त जो है ये अच्छे तरीके से इंशाल्लाह ताला गुजर जाएगा, और ये एक अपॉर्चुनिटी होगा जब हम अपनी जीडीपी को, खास तौर पे अपनी डोमेस्टिक जो एसएमई सेक्टर है उसको प्रमोट करके हम इसको सूरत हाल को काबू में लाने की कोशिश कर सकते हैं।
ओके ये था मेरी तरफ से। कोई सवाल अगर आपके पास आया है तो आप पूछ सकते हैं, या इसके अलावा अगर सवाल एट द मोमेंट तो मेरे पास एक यही था कि खास तौर पे जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, उनके लिए एक ये चीज़ होती है कि हमसे सबसे अच्छे हैं, पहले तो उनको ये, हमसे हाँ अच्छे, हमसे अच्छे हैं स्टूडेंट्स, हम इतने अच्छे स्टूडेंट्स नहीं। अच्छा, मेरे पास एक सवाल आया कि व्हाट अबाउट इंटरनेशनल मार्केट, आर दे मेकिंग रूल एंड रेगुलेशन टू हैंडल दीज टाइप्स ऑफ इश्यूज इन फ्यूचर। तो आई थिंक ये ऑलरेडी आपने जवाब इसका दे दिया है जी कि ये जो फोर्स मेजोर आपकी क्लॉज होगी इसमें विद रिस्पेक्ट टू जी इंडियन एक्ट, और इसको जो हाँ, फ्यूचर में अपने इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट्स में, आप इंटरनेशनल ये कॉन्ट्रैक्ट्स में अगर आप, लॉ ऑफ फ्रस्ट्रेशन भी, इसको भी देख सकते हैं, ये मैंने जिक्र हाँ, किया। इसको अगर आप इसको इनकॉर्पोरेट कर जाते हैं तो आई थिंक दैट विल बी सफिशियंट फॉर द कंपनीज। जी ठीक जी है, और जी एक चीज़ और थी कि जो खास तौर पे जो फ्रेश स्टूडेंट्स होते हैं ना, उनके हवाले से एक कुछ थोड़ी सी गाइडलाइंस आप दें कि हाउ सप्लाई चेन कैन अट्रैक्ट दोज स्टूडेंट्स जो कि दे वांट टू मेक देयर करियर इन दिस यू नो फील्ड। तो उनके लिए क्या टिप है, मतलब क्या अट्रैक्शंस उनके लिए, हैं? मैंने वही कह रहा था, उनके लिए तो अपॉर्चुनिटीज ही अपॉर्चुनिटीज हैं। और बस वो मैकेनिज्म अनफॉर्चुनेटली अभी तक डिवाइस नहीं हो सका कि यहाँ पे एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि सही बंदा सही जगह पे नहीं है। तो अपॉर्चुनिटीज तो एक छोटी सी जगह से लेके ना आतिफ एक बड़ी मल्टीनेशनल तक अपॉर्चुनिटीज ही अपॉर्चुनिटीज है। आप छोटी सी सही जगह पे देखें, आप हॉस्पिटल्स में देखें, आप एक क्या जो सर्विस सेक्टर है आपका, खास तौर पे ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर्स हैं आपकी, जिस तरह बसेस जा रही होती हैं इंटीरियर में और ऊपर नीचे, आपका जो छोटे से छोटा बिजनेस है ना आजकल, फॉर इंस्टेंस अगर आप हॉस्पिटल के एग्जांपल लेते हैं, तो वहाँ भी एक प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट आज काफी अर्से से हर हॉस्पिटल में है, छोटा मोटा एडमिन डिपार्टमेंट जो कि प्रोक्योरमेंट देख रहा है। और बड़े से बड़ी मल्टीनेशनल्स में भी आपका सप्लाई चेन और प्रोक्योरमेंट और परचेज एडमिन, ये सारी चीजें। लेकिन अभी तक जो रुझान है वो वही रुझान है कि आप किस तरीके से मतलब कॉस्ट सेविंग कर सकें और कहाँ बचत कर सकें। तो अगर आप जदीद चीजों को आप वो नहीं करेंगे, इन्फोर्स नहीं करेंगे, तो ये सारी चीजें जो हैं वो आगे चल के अभी भी प्रॉब्लम करती हैं, लेकिन वो इन प्रॉब्लम्स का कंपनीज को रियलाइज नहीं होता। बेसिकली वो उसकी जो सिवियरिटी ना, एफिशिएंसीज सीरियसनेस। अभी जो एफिशिएंट मतलब जो एफिशिएंसीज वो हासिल कर सकते हैं एक डाइवर्स सिस्टम से, एक रोबस्ट सिस्टम से, आईटी को लाके सप्लाई चेन को अपने अच्छे तरीके से इंटीग्रेट करके इंटीग्रेट आप, करके, प्रोक्योरमेंट को आप मजीद डिजिटलाइज करके, तो वो चीजें जो हैं, नुकसान तो अभी भी हो रहा है, लेकिन वो चूंकि लोगों को आइडिया नहीं है कि किस तरह से ये हो रहा है नुकसान और किस तरीके से होता है। आपको एग्जाम्पल दे, जैसे आप चीजें लेते हो, आप अभी तक हमारे यहाँ एक कंपनी जो भी ये छोटी हो या बड़ी हो, वो आपकी जो है ना अल्टीमेट प्राइस पे जा रही होती है, बस वैल्यूएशन पे, अल्टीमेट प्राइस है, ये सस्ती है भाई ये ले लो। फॉर इंस्टेंस वो उन चीजों पे नहीं जा रही होती कि ये जो आप ले रहे हो चीज, उसकी जब जो कंज्यूमेबल्स आप लोगे वो आपको सबसे ज्यादा महंगे पड़ेंगे। तो हाँ, टोटल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की बात कर रहे हैं। हाँ, टोटल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन भी नहीं है आते, टोटल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नहीं, टोटल कॉस्ट ऑफ ऑनरशिप की बात कर रहा हूँ। ऑनरशिप, पीसीओ। टोटल कॉस्ट ऑफ ऑनरशिप जो है वो बेसिकली अभी तक आपका लोगों ने उसको रियलाइज नहीं किया, उसको ज्यादा नहीं किया। बड़ी जगहों पे तो यकीनन हो रहा है, लेकिन अभी भी काफी सारा जो सेक्टर है वो उससे जो है अभी तक उसको वो नहीं कर सका। तो अपॉर्चुनिटीज हैं, अपॉर्चुनिटीज को चैनलाइज करने की जरूरत है। लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी हैं इस फील्ड में, लेकिन अपॉर्चुनिटीज को चैनलाइज नहीं किया जाता, और चैनलाइज करना ये हम सब का काम है। हम सब सप्लाई चेन प्रोफेशनल्स हैं, और हमारा एक एक्सपीरियंस है, और हम चूंकि पाकिस्तानी हैं, ये हमारी जिम्मेदारी भी है बेसिकली कि हम लोगों को चैनलाइज करें जितना हम कर सकते हैं, और लोगों को वो जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो हम सबको अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी चाहिए, अपॉर्चुनिटीज क्रिएट भी करनी भी चाहिए, और जो मेरिट है उसको प्रमोट करना चाहिए। और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, जो लोग हैं, वो हमसे ज़्यादा आजकल समझदार हैं, बाशऊर हैं, और हर लिहाज से हमारी जनरेशन से, हम मैं कभी भी जो है
इस बात पे कन्विंस नहीं होता कि हम कोई अल्लामा हैं या हमारे से लोगों के जो अभी जो जनरेशन है वो हमसे ज्यादा माशाल्लाह बाशअूर है, उनके पास हमसे ज्यादा मौाक़े हैं तो प्रॉपर गाइडेंस की चीज़ों जरूरत है, गाइडेंस। प्रॉपर को, हमसे ज्यादा मौाक़े हैं। हमारे जमाने में कहाँ ये गूगल और विकिपीडिया होता था, हाँ तो सही कह रहे वो जो है उस चीज को करें आगे आके। लेकिन बस एक चीज है कि शॉर्टकट ना रखें, क्योंकि शॉर्टकट नहीं है, आपको आना है, आप सप्लाई चेन में आओ, आप काम करो फील्ड्स में, आप स्टोर्स में जाओ, आप इन्वेंट्री देखो, आप मतलब आपको हर चीज करनी है, मतलब कोई आके आपको स्पून फीडिंग नहीं करेगा, और स्पून फीडिंग कहीं होती भी नहीं है। अब प्रोसेसेस होते हैं लोगों पे, डॉक्यूमेंटेशन होती है, जेडीज होती है, जॉब स्पेसिफिकेशंस होती हैं, लेकिन आके आपको वो कहते हैं ना, मौज दरिया में है, बैरूने दरिया कुछ नहीं। तो आपको आके समंदर सही में आप छलांग लगाएंगे तो ही आप इसका वो करेंगे। बाकी ट्रू लोगों को चाहिए आजकल के दौर में कि डिजिटलाइजेशन का सहारा लें, लिंक्डइन प्रोफाइल अपना अच्छे तरीके से बनाएं, उसको अपडेट करें, और कंटिन्यूसली, जैसे आज भी हम जो हैं, हमें कोई कोर्स नंबर आता है तो हम कोशिश करते हैं कि वो जाके लें कोर्स, कोई आर्टिकल आता है तो उस कोशिश ही होती है उस आर्टिकल को पढ़ें। तो देखें। हाँ, आपने मतलब आपको थोड़ा सा जो है ना, जाहिर है नो पेन नो गेन, पॉलिश, और हाँ नो पॉलिश करने पेन की नो गेन जरूरत वाला हिसाब है, और अपनी स्किल्स तो आप सारी उम्र ही आप पॉलिश करते पॉलिश रहते कर। हैं। बाकी आपके साथ बहुत मजा आया आतिफ, चलो थैंक यू सो आपको एक दफा मच फिर अजीज, मुबारकबाद देता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया, फिर और इंशाल्लाह फिर ताला। इंशाल्लाह ताला किसी और टॉपिक के साथ जो है वो सून विल बी इन टच। ठीक है, थैंक यू जी जी अजीज, थैंक ओके यू सो जी, मच, थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज। टेक केयर, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। अच्छा जी, आज का ये हमारा प्लान था, प्रोग्राम था मिस्टर अदील के साथ, जो कि एक सीजन सप्लाई चेन स्पेशलिस्ट थे। सो कीप वॉचिंग माई एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल सप्लाई चेन राइजिंग, और इसी तरह के इंशाल्लाह ताला ये सिलसिला जो है वो कंटिन्यू रखने का प्लान है मेरा। और बेसिकली इसका ऑब्जेक्टिव यही था, ये टॉक टाइम विद सप्लाई चेन गुरु के डिफरेंट एक्सपीरियंसेस के डिफरेंट ब्लेंड्स, डिफरेंट फ्लेवर्स आप लोगों तक मैं जो वो शेयर कर सकूं। सो आई होप यू हैव एंजॉयड दिस सेशन, सो कीप वॉचिंग एंड टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।